हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेगा स्लीव्स का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। मेगा स्लीव्स हमेशा शॉर्ट होते हैं। अगर आपको 3 इंच या 3.5 इंच तक का स्लीव्स बनाना है तो बेस्ट ऑप्शन मेगा स्लीव्स का है। मेगा स्लीव्स का कटिंग क्रॉस होता है और डबल फोल्डेड होता है और इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी और परफेक्ट तरीके से बनाया है। और अब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं। तो हम कार्ड शीट के ऊपर पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े पे। तो कार्ड शीट को ट्रायंगल में सेट करना है क्योंकि इसकी कटिंग तिरछा होती है। ट्रायंगल कटिंग करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 फोल्ड हो गया है। पूरा खुला पार्ट सामने रखेंगे और पूरा फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है। अब जहाँ पर पूरा फोल्ड है हम वहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेंगे। हमको 3.5 रेडी करना है, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। ऊपर की तरफ हमने लाइन खींच दी, एकदम सीधी लाइन खींचना है। 4 इंच का सेंटर निकालना है, 4 इंच का सेंटर 2 इंच इसका सेंटर हो गया है। अब इसकी लाइन भी सीधी खींच लेंगे। तो अब चेस्ट का 5वां भाग लेंगे जो कि मैंने मार्किंग कर दिया है, जो अब 6 इंच आ रहा है। अब ऊपर के दोनों लाइन का भी सेंटर निकालना है। दोनों लाइन का सेंटर 1 इंच होता है तो इसका डॉट डॉट लाइन बना लेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन खींच देना है। अब डॉट लाइन का सेंटर निकालना है। तो ये हो गया डॉट लाइन का सेंटर। अब सेंटर से नीचे की लाइन तक तिरछा लाइन खींच देंगे और ऊपर की तरफ से शेप दे देंगे और मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लाइन भी खींच लेंगे। तो हमारे स्लीव्स के आर्म होल का शेप रेडी हो गया है। इस स्लीव्स में बैक और फ्रंट का शेप एक ही होगा। अब जैसे जैसे लाइन दिया हुआ है वैसे इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब ये मेगा स्लीव्स रेडी हो चुकी है। हम इसका कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। जब हम इसे खोलते हैं तो हमारी स्लीव्स इस तरह की दिखेगी, यानी यहाँ पे डबल स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब ये फोल्डेड साइड नीचे की तरफ रहेगी और इसका एक और कटिंग करेंगे। अब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। डबल लेयर कपड़ा लेंगे ताकि 2 स्लीव्स को काट सकें। इस स्लीव्स की कटिंग तिरछे कपड़े में होगी, ना कि सीधा कपड़ा में। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर लाइन देके भी काट सकते हैं। देखिए मैंने सीधा भी काटा। अब इससे मार्किंग भी कर सकते हैं और काट सकते हैं। अब इसको जैसे जैसे मार्क दिए वैसे वैसे कटिंग कर लेंगे। अब
अब ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब ये हमारे दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और साइड से दोनों स्लीव्स में सिलाई लगा लेंगे। इसका हम सेंटर निकालेंगे। दोनों स्लीव्स का अच्छे से सेंटर निकालेंगे। अब रेडी हो चुकी है। अब इस पे स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह दोनों स्लीव्स में स्टिच लगा लेंगे। अब ये स्लीव्स ब्लाउज में अटैच करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो ब्लाउज मेरा पहले से रेडी है। इस ब्लाउज के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब हम सेंटर पॉइंट से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि सेंटर पॉइंट इधर उधर ना हो। अटैच करते समय स्लीव्स को खींचेंगे नहीं, बस आराम आराम से इसको स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे क्योंकि सेंटर से स्टार्ट किए थे तो आधा बचा हुआ है, तो हम इसको पूरा कर लेंगे। हम इसमें डबल स्टिच कर रहे हैं, आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं। अब रेगुलर ब्लाउज की तरह इसका फिटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और सेम प्रोसेस से दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। अब मैंने दोनों साइड के स्लीव्स अटैच कर दिए हैं और ये देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है। तैयार होने के बाद ये हमारी स्लीव्स इस तरह से दिखेगी। इसका लुक भी बहुत अच्छे से आया है। तो आपको स्लीव्स का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।